फिरोजाबाद के गांव गाजीपुर के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि युवक HDFC बैंक फिरोजाबाद में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात था, जो अपनी बाइक से ड्यूटी खत्म करके घर के लिए जा रहा था। इसी दौरान गाजीपुर ईंट भट्टा के पास घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नौकरी करता था HDFC जा रहा था आशावासी पल्ली तरफ, कलई भट्टा गाजीपुर का, वहाँ पर गोली मार दी किसी ने। पुलिस से जे कहा कहते डॉक्टर ने बहुत लापरवाही करी है। एक मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार है, ऐसे में बिजनौर के आरीज कारीगर कई सालों से कांवड़ बनाते आ रहे हैं। मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आरीज कांवड़ बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं। कारीगर की माने तो इन्हें त्यौहार आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। वहीं कांवड़ रोजाना 10 से 12 कारीगर बनाते हैं। हम बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारे पापा दादा की टाइम से काम हो रहा है। अच्छा, कैसे कैसे लाते हैं, कच्चा मटेरियल कैसे आता है, कैसे बनाते हो, थोड़ा बताओ जी। हम बाहर से लेकर आते हैं, यहाँ पुरुष आता है, नजीबाबाद में हम लाकर इसे बनाते हैं, बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं, करते हैं इसको। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा होती है क्या इससे, मैसेज जाता है इससे, जैसे आप मुस्लिम होकर ऐसे कहते हैं लोग, मगर ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते, हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बने रहे। सीतापुर में विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। बस में सवार 17 CISF के जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को CHC हरगांव में भर्ती कराया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां सभी का फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक बस में कुल 39 जवान सवार थे, जिसमें से 17 जवान घायल हुए हैं। महोबा में वैवाहिक कार्यक्रम की रस्में कर लौट रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं घटना में दूल्हे के फौजी भाई की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। नीरज खत्म हो गया और धीरज और दीपा गंभीर रूप से घायल हैं। अच्छा, सब एक ही परिवार के थे? जी सर, एक ही परिवार के थे। अच्छा, जो खत्म हुआ वो पेशे से क्या थे जी सर? क्या करते थे वो? वो सर आर्मी में थे, अभी छुट्टी पे आए थे। अच्छा, तो उनकी बेटी की शादी थी? नहीं, उनके भाई की, बड़े भाई की शादी, भाई शादी थी। वैवाहिक कार्यक्रम करने गए थे? जी सर। कहाँ गए थे ये लोग? सर चित्रकूट गए थे। किस लिए? हाथी लगाने के लिए, तो वापसी आ रहे थे, वो एक्सीडेंट हो गया महोबा के पास। कुशीनगर के पडरौना में BJP कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश की जनता मजहबी तुष्टीकरण को बर्दाश्त नहीं करती, देश की जनता विकास को पसंद करती है, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री को पसंद करती है, जो सबके साथ मिलकर विकास की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ, पश्चिम में ही अखिलेश यादव जी और अन्य पार्टियों की हार हो चुकी है। मोदी जी के प्रयासों में, योगी जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, जो अद्भुत हुआ है, इसलिए हम योगी जी की सरकार बननी चाहिए और मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजधानी वासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। उनका कहना है कि आने वाले 23 फरवरी को सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। राजधानी में बने हर बूथ पर मत वृक्ष लगाया जाएगा। मतदाता दिवस के मौके पर बूथ पर वृक्ष लगाए जाएंगे।
23 फरवरी को प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक लखनऊ में मतदान का समय है, दिनांक है। सभी लोग रिकॉर्ड, इस बार हमें वोटिंग करनी है, एक रिकॉर्ड बनाना है, लखनऊ ने ठाना है, रिकॉर्ड बनाना है हमें वोटिंग का। और इन्हीं चीज़ों में लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिस तरह से डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर वोट जरूरी है, उसी तरह से पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हर एक पेड़ जरूरी है। इन दोनों चीज़ों को हमने जोड़ा है और 23 तारीख को जो चुनाव होगा, हर बूथ पे 3 पेड़ लगाए जाएंगे जिसका नाम मत वृक्ष होगा। आप देख सकते हैं ये हर बूथों तक कल तक भिजवा दिया जाएगा ताकि 23 तारीख को पहले पुरुष मतदाता हर बूथ पे, पहली जो महिला मतदाता होंगी उनके द्वारा एक पेड़, पहले पुरुष मतदाता के द्वारा एक वृक्ष और पोलिंग पार्टी के द्वारा एक वृक्ष लगाया जाएगा। और ये मत वृक्ष जिस तरह से हमारा मतदान, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने थाना नहटौट का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को थाने में आने वाले फरियादियों के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। महिला हेल्प डेस्क पर महिला आरक्षियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिशा निर्देश दिए हैं। थाना नहटौर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। थाने की जो सफाई है, यहाँ का जो चतुर्दिक परिसर है, उसमें जो सफाई के लिए कमियाँ थी वो इंगित कर दी गई हैं। अभिलेखों में जो कमियाँ थी उसको इंगित कर दिया गया है। जो सुझाव थाना प्रभारी को देने थे यहाँ के अभिलेखों के या थाना परिसर में सुधार करने के लिए, दे दिए गए हैं। यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनात महिला सिपाही रुचि सिंह का शव गांव पहुंचा है। महिला सिपाही की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ परिजनों ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शव गांव पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। रुचि सिंह यूपी पुलिस लखनऊ मुख्यालय पर आरक्षी पद पर तैनात थी। महिला सिपाही रुचि की प्रेम प्रसंग के कारण हत्या करने की बात सामने आ रही है। ये लड़की रुचि योगेंद्र कुमार की लड़की थी। इसका सिलेक्शन पुलिस में 2019 में हुआ था और ये पहले पोस्टिंग थाने में मिली, उसके बाद लखनऊ जो हेड ऑफिस है डीजीपी उस कार्यालय में सर्विस कर रही थी। और इसकी हत्या जो है जघन्य अपराध हुआ है इसकी बच्ची के साथ। दर्शकों, ताज प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, पर्यटकों के लिए 3 दिन ताजमहल में निशुल्क प्रवेश मिलेगा। 3 दिन तक ताजमहल में मुगल शहंशाह शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स मनाया जाएगा। 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को 3 दिवसीय उर्स होगा जिसमें पर्यटकों को निशुल्क ताज के दीदार करने का मौका मिलेगा। तो आगरा में अब ताज प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, जहाँ 3 दिन के लिए उर्स मनाया जाएगा और उर्स मनाने के बीच अब 3 दिन तक ताज का दीदार निःशुल्क कर सकेंगे। उर्स के कारण 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को ताज का दीदार लोग निशुल्क कर सकेंगे। 27 और 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे के बाद से और 1 मार्च को सुबह से लेकर शाम तक ताजमहल दर्शकों के लिए निशुल्क ओपन रहेगा। खासियत ये होगी कि इस दौरान जो नीचे का तहखाना है जिसमें मेन ग्रेव है वो भी पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, जो कि नॉर्मल डेज में विजिटर्स के लिए बंद रहता है।